जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मेरे बच्चों, ज्योतिष शास्त्र में धन प्राप्ति के लिए अचूक और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। ये उपाय व्यक्ति को तेजी से अमीर बना सकते हैं। इनमें से कुछ उपाय टोटके तो बेहद आसान हैं। ये टोटके उपाय इतने प्रभावी हैं कि ये आपकी तेजी से इनकम बढ़ा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। ज्योतिष शास्त्र में तेजी से अमीर बनने के लिए एक ऐसा ही उपाय बताया गया है जिसमें व्यक्ति को तिजोरी या धन स्थान पर एक खास चीज रखनी होगी और इसे रखते ही चमत्कारिक तौर पर उसे धन लाभ होने लगेगा। इस चमत्कारिक चीज का नाम है शंख पुष्पी की जड़। शंख पुष्पी की जड़ के अचूक टोटके उपाय। वैसे तो शंख पुष्पी के पौधे के रस का उपयोग याददाश्त बढ़ाने वाली औषधि के रूप में किया जाता है, लेकिन ज्योतिष और तंत्र मंत्र में भी शंख पुष्पी की जड़ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शंख पुष्पी की जड़ धन प्राप्ति के लिए बेहद कारगर चीज है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में जब गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र रहे तो शंख पुष्पी के पौधे की जड़ को गंगा जल से धोएं और फिर उस पर केसर से तिलक लगाएं। इसके बाद इसे चांदी की डिब्बी में भरकर तिजोरी में रख लें। साथ ही महालक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्री मंत्र का कमल गट्टे की माला से 11 माला जाप करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। आपके घर में धन की आवक बढ़ जाएगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। यदि कामों में सफलता नहीं मिल रही है तो शंख पुष्पी की जड़ पर केसर के चंदन से तिलक लगाकर पूजा करें, फिर इसे ताबीज में भरकर अपने गले में पहन लें या दाहिनी भुजा में बांध लें। ऐसा करने से आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलने लगेगा और काम सफल होने लगेंगे। यदि आप राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं या ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हैं तो अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए रोज शंख पुष्पी की जड़ को घिसकर उससे तिलक लगाएं। लोग आपकी बात सुनेंगे भी, मानेंगे भी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए गुरुवार को शंख पुष्पी की जड़ के 108 टुकड़े करें और इन्हें हल्दी से अच्छी तरह रंग लें। फिर ओम नम शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते जाएं और मां पार्वती के चरणों में जड़ के टुकड़े अर्पित करते जाएं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और जल्द ही आपका विवाह हो जाएगा। और बेटा, अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके बताओ और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी लिखकर इस वीडियो को लाइक कर दो और इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो।